नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे का सिटी सेंटर रीवा। मेरे साथ देखिए दिन भर रीवा में क्या घटा, क्या कुछ हुआ। सम्यक अभियान के प्रमुख भास्कर राव रोकड़े युवाओं के बीच जाकर उनकी आवाज उठा रहे हैं। उनका साफ तौर से कहना है, सरकार युवाओं की रोजी रोटी के लिए कुछ नहीं कर रही है, जिसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ रही है। हमारी टीम ने भास्कर राव रोकड़े से बात की। सम्यक अभियान के प्रमुख भास्कर राव रोकड़े पूरे प्रदेश में इन दिनों घूम घूम कर नौजवानों के बीच में जा रहे हैं। उनकी बेरोजगारी, महंगाई जैसी समस्याओं को लेकर बातचीत कर रहे हैं। क्या है भास्कर राव रोकड़े का मकसद, इसको लेकर हमारी टीम ने रीवा पहुंचने पर उनसे बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं भास्कर राव रोकड़े ने क्या कहा। इसके पूर्व भास्कर राव रोकड़े का रीवा पहुंचने पर एक बड़ी रैली के साथ उनका स्वागत भी किया गया। मैं जावेद, मैं मौजूद हूं इस समय सम्यक अभियान प्रमुख भास्कर राव रोकड़े जी के पास। पूरे प्रदेश में नौजवानों को आज के वर्तमान हालात से परिचित कराने के लिए पूरे प्रदेश का भ्रमण कर रहे हैं। खास तौर से आज रीवा में मौजूद हैं। बेरोजगारी की समस्या हो, नौकरी की समस्या हो, तमाम ऐसी बातें जो सीधे युवाओं से टच करती हैं, युवाओं को टच करती हैं, मैं उन्हीं से किस तरीके से आप ये प्रेरित कर रहे हैं लोगों को, और बेरोजगारी के लिए जो आपने अलग जगाई, इसका क्या मकसद है? देखिए, मैंने शिक्षित बेरोजगार युवाओं की दशा और दिशा पर गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया तो मुझे लगा कि अवसरों पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है। वो कैसे कि पहले 58 साल की सेवानिवृत्ति आयु हुआ करती थी, उसको प्रदेश सरकार ने 65 और 68 तक पहुंचाने का निर्णय ले ली, और केंद्र में भी EPFO एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने भारत सरकार को रिकमेंड किया है कि वे अब सरकारी अधिकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु 5 साल इसलिए बढ़ा दे क्योंकि अब लोग अधिक समय तक जीते हैं, जल्दी मरते नहीं हैं, और पेंशन का भार सरकार पर पड़ रहा है। यदि उनने 5 साल बढ़ा दिया तो हमें तो लगता है मध्य प्रदेश में रिटायरमेंट आयु 70 और 73 साल हो जाएगी। हम 70 और 73 साल की बात आप कर रहे हैं, आपके बड़े नेता इस समय पद यात्रा पर हैं, आप भी पूरे प्रदेश को नापने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपके मुद्दे आम आदमी तक क्यों नहीं पहुंचते? मेरे बड़े नेता कहे आपने, मुझे समझ में नहीं आया। मेरे राहुल गांधी जी की बात कर रहा था, वो पूरे देश की यात्रा कर रहे हैं, आप प्रदेश की यात्रा। तो आप कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं। मुझसे बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं जैसे एक बड़े नेता इस समय पद यात्रा कर रहे हैं, आप भी पूरे प्रदेश में बेरोजगारों को, युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं। सवाल ये कि लेकिन आपकी बात कोई सुनने के लिए क्यों तैयार नहीं है? नहीं, हमारे लाखों युवा हम लोगों से जुड़ चुके हैं, युवा सुन रहे हैं। रिटायरमेंट आयु को हम 58 साल लागू करने के लिए एक डेडलाइन तय करके रखे हैं, 1 जनवरी 2024, और लाखों युवा इस प्रदेश यात्रा के दौरान हमसे जुड़ चुके हैं, युवा भाग ले रहे हैं। 58 साल सेवानिवृत्ति आयु लागू करते हैं तो 5,30,000 युवाओं को सम्मानजनक नौकरियों के अवसर मिलेंगे। इसके साथ साथ हम शासकीय और निजी क्षेत्र में समान वेतन के लिए न्यूनतम वेतन अधिनियम की बात कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम लोग ये जो आउटसोर्सिंग प्रणाली से नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है, इस पर तत्काल रोक लगाने की बात कर रहे हैं, 1 जनवरी 2024 इसके लिए भी डेडलाइन रखे हुए हैं। इसके अलावा हम लोगों ने जो 8 घंटे की शिफ्ट ड्यूटी को इन्होंने 12 घंटे में कन्वर्ट कर दिया है, उसको पुनः 8 घंटे करने, श्रम कानूनों को इन्होंने फेरबदल कर दिया है, जो बाध्यकारी श्रम कानून थे जिसके तहत नौकरी से दिशहत्नी नहीं की जा सकती थी, उसको इन्होंने निलंबित कर दिया है, उसको पुनः यथावत लागू करने के लिए हम युवाओं के बीच बात कर रहे हैं। तो युवा हमारे साथ हैं, युवा आपके साथ हैं, ये आपको ऐसा लगता है क्योंकि आप प्रदेश की बात कर रहे हैं इसलिए आपसे लोकल बात तो हो नहीं सकती। उदाहरण गुजरात का हमारे सामने है, गुजरात में जब चुनाव हो रहे हैं उस समय सारे मुद्दे खत्म हो गए, बात वहीं पर हिंदू मुसलमान पर ही आके बात टिक गई। तो क्या ये आप मानते हैं कि एन वक्त पर आपकी बात की जगह दूसरी बातें आ जाती हैं, बेरोजगारी और तमाम बातें युवा भूल जाता है?
मैं चुनाव को फोकस करके काम नहीं कर रहा हूं, मैं युवाओं के भविष्य को फोकस करते हुए काम कर रहा हूं। और मेरे लिए डेडलाइन 1 जनवरी 2024 है। 1 जनवरी 2024 के बाद में मध्य प्रदेश में जो बेरोजगारी है उसके 70% पर विराम लगाने में हमें निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। मैं इसके लिए पूर्ण रूपेण आश्वस्त हूँ। आप रीवा में हैं, आपने रीवा में कई जगह दौरा किया, किस तरीके का यहाँ पर आपको माहौल मिला और किस तरीके से आपको लोगों ने सहयोग दिया? युवाओं में जबरदस्त उत्साह है, युवा लोग चयन बना रहे हैं, एक एक युवा 500-500 युवाओं को जोड़ते हुए व्हाट्सएप ग्रुप आदि के माध्यम से प्रचार में लग गए हैं। और मुझे लगता है कि जब जनवरी के अंतिम सप्ताह या फरवरी के प्रथम सप्ताह में भोपाल में सम्यक कॉन्फ्रेंस होगा, मेगा कॉन्फ्रेंस होगा, उसमें सारे युवा प्रदेश के युवाओं ने निर्णय लिया कि हम मोटरसाइकिल से भोपाल में पहुंचेंगे और निश्चित रूप से आएंगे। एक और मुद्दे की बात हम आपको बताना चाहते हैं जिसको आप कृपया करके अपने चैनल के माध्यम से दिखाएं। एक बात यह है कि जो आरक्षण है ओबीसी वर्ग का, उसमें बड़ी विसंगति आई है। ओबीसी नहीं, अन्य सभी वर्ग में हम चाहते हैं कि आबादी के अनुपात में आरक्षण व्यवस्था लागू की जाए। और इसके लिए राज्य सरकार को एक अधिकार दिया हुआ है कि सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए जातिगत आधार पर सर्वे करा सकती है राज्य सरकार। तो उस अधिकार का उपयोग करते हुए राज्य सरकार जातिगत आधार पर सर्वे कराए और उस सर्वे के आधार पर रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दे या अपने विधानसभा में प्रस्ताव पेश करके और सभी वर्ग के लिए जातिगत आधार पर, जनसंख्या के आबाद पर, वर्गगत आबाद पर, आबादी के अनुपात में आरक्षण की व्यवस्था करे। लेकिन एक्सीलेंस कैटेगरी का प्रावधान 10% होना चाहिए क्योंकि अर्हकारी परीक्षा में सबसे अधिक अंक लाने वालों को प्राथमिकता मिलनी ही चाहिए। प्राथमिकता मिलनी ही चाहिए, 10% आरक्षण की बात, जातिगत आधार पर एक बार सरकार को फिर से स्टेप आउट करना चाहिए। बेरोजगारों के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं, हमने डेडलाइन 24 तय की है 1 जनवरी। अब देखना होगा कि साल भर में जो युवाओं को ये लगातार प्रेरित कर रहे हैं, उनके मुद्दे उनको बता रहे हैं, किस तरीके से इनको सफलता मिलती, हमारी नजर उस पर भी बनी रहेगी। अपने मेजबान जावेद अंसारी को दीजिए इजाजत। दिन भर की ताज़ातरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।